नमस्ते, मैं राजभा पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है द बटरफ्लाई योग। तो आज हम बात करेंगे कुछ आसनास के बारे में जो कि इरेगुलर पीरियड्स जो कि महिलाओं में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती रहती है, तो इसीलिए हम कुछ आसनास जो है वो आपके लिए लाए हैं जिसकी वजह से आपके इरेगुलर पीरियड्स का जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। तो आइए जानते हैं वो जो आसनाज है वो कौन कौन से है। तो इसमें पहला जो आसन आता है वो है मालासना। तो मालासन के लिए जो है हमें पहले वज्रासन में आना होता है। तो पहले वज्रासन में आने के लिए बस हमें क्या करना है, इस तरीके से हम वज्रासन में आएंगे, ठीक है। वज्रासन में आने के बाद हमें नीज पे आना है इस तरीके से ये, और हमें जो है अपने हील्स को नीचे रखना है। देन दोनों नीज को थोड़ा सा दूर करना है इस तरीके से, हमारे पैरों के अंगूठे थोड़े दूर दूर लेके जाने हैं और हाथों को जोड़ना है, एल्बोज को जो है साथ में रखना है शुरुआत में। देन यहीं से हमें क्या करना है कि हमारे जो एल्बोज है हमारे इस साइड नी के अंदर के साइड हमें लगाने हैं इस तरीके से, और यहाँ लगाने के बाद एल्बोज को जो है फिर इस नमस्कार स्थिति को, या फिर हम जो पाम्स है हमारे जो पाम्स है नीचे लेने की कोशिश करनी है इस तरीके से, हमारे हार्ट सेंटर पे यहाँ पे चेस्ट के सामने, फिर आगे देखना है इस प्रकार से, और यहीं पे जो है आपको 10 श्वास यहाँ पे रुकना है, मतलब सांस लेनी है। ये हुआ, इस तरीके से हमें 10 ब्रेथ या फिर आप 10 काउंट को भी उस हिसाब से भी रह सकते हैं, जैसे 10 काउंट किया 1 2, इस प्रकार से ही हमें रहना है। ये धीरे से छोड़ देना है, हाथों को रिलीज करना है, देन पैरों को, और आराम से रहना। तो इस प्रकार से जो है पहला आसन जो था हमारा मालासन ये हो गया है। अब दूसरे आसन की बारी है, वो है उष्ट्रासना या कैमल पोज। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से ये कैमल पोज किया जाता है। पहले तो उसके लिए आपको जो है नीज पर खड़ा होना है, जहां पर देख सकते हो कि हमारे जो नीज है घुटने हैं हमारे शोल्डर विड डिस्टेंस है या फिर हिप विड डिस्टेंस है। यहीं से हमें क्या करना है, साइड से दिखाता हूं, यहीं से हमें जो है हाथों को इस प्रकार से घुमा के हमारे हील पे रखना है, दूसरे भी हाथ को पाम को हथेली को जो है हमारे हील पे रखना है इस तरीके से। यहाँ पे सेम 10 काउंट्स या फिर 10 ब्रेथ्स के लिए यहाँ पे रुकना है, फिर धीरे से हमें वापस आना है। तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि हमें जो है हाथ रखने के लिए मुश्किली होती है, तो हम इसे आसान बनाते हैं। तो इसके लिए बस आपको क्या करना है, बाकी सेम रहेगा, बस हाथों का पोषण क्या करना है, आपको हाथों को जो है कमर पे रखना है इस प्रकार से, और यहां से ये आसन आप ये कर सकते हो, एल्बोस को अंदर की तरफ लेना है और 10 काउंट या फिर 10 ब्रेथ धीरे से वापिस आना है और आराम से बैठ जाना है। तो दोस्तों अगर दूसरा नेक्स्ट आसन इसमें आता है वो है धनुरासन, जिसे हम जो है बोपोज कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें आने के लिए हमें पहले आना होता है स्टार्टिंग पोस्चर एब्डोमेन पे लेटना होता है, फिर यहीं से हमें पैरों को फोल्ड करना है और अपने टखनों को पकड़ते हुए एंकल्स को पकड़ते हुए धीरे धीरे से अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करनी है इस प्रकार से। अगर आप कंफर्टेबल है तो ऊपर देख भी सकते हो, यहाँ पे भी आप 10 काउंट रह सकते हो, धीरे से वापस आना है, रिलैक्स एंड रिलीज, यहीं से वापस आना है। और इसके बाद आता है चौथा आसन, जो चौथा आसन है वह है ऊर्ध्व मुख श्वानासना, या फिर हम जिसे डाउनवर्ड डॉग के नाम से भी जानते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, बस यहाँ पे अपने नीज को रखना है, हथेलियों को रखना है, अब धीरे से हाथों को थोड़ा सा आगे लेना है, टोज को टकिंग करना है और लिफ्ट करना है इस प्रकार से। जो है हम डाउनवर्ड डॉग में आते हैं, हमारे पैरों में अंतर है, यहाँ पे हमें 10 काउंट या फिर 10 ब्रेथ रुकना है, सांस लेते रहनी है, सांस किसी भी आसन में रोकनी नहीं है। अगर आपको नी पेन है तो थोड़ा सा हल्का सा आप नीज को बेंड कर सकते हो, हील्स को उठा सकते हो,
आइडियली हील्स को टच करने की कोशिश करनी है। अब धीरे से वापस आना है, आराम से एंड रिलैक्स करना है। अब इसके बाद जो आसन आता है उसे मत्स्यासन या फिर सरल मत्स्यासन जो है हमें करना है। तो उसके लिए पहले तो हमें सुपाइन पोजिशन में जाना है, लेट जाना है पीठ के बल। पीठ के बल लेटने के बाद जो है हमें क्या करना है कि इस प्रकार से हाथों को साइड में रखना है, फिर एल्बोज के सहारे हमें ऊपर उठना है। उठने के बाद हमारे टोज को देखना है, पैरों के अंगूठों को, फिर धीरे से चेस्ट अप करनी है, जो हमारा हेड है टॉप ऑफ द हेड उसे नीचे रखने की कोशिश करनी है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपने हथेलियों को अपने एब्डोमेन या फिर पेट पे रखने की कोशिश करनी है। सेम यहीं पे 10 काउंट 10 ब्रेथ, धीरे से वापस आना है, फिर अपने टोज को देखना है, फिर आराम करना है। तो इस प्रकार से जो है हमने कुछ आसनास देखे जो कि इरेगुलर जो पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है महिलाओं में, तो उनके लिए जो आसन है अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो इस प्रॉब्लम में आपको लाभ होगा। तो इसी प्रकार से आप, ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में शेयर कीजिए, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को द बटरफ्लाई योग को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।